मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन धुलिया मालेगांव की ओर से आयोजित नशा मुक्त कैंप के बारे में अपनी ख्याल पेश करते हुए आसिफ भाई नेशनल वाले। ये मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इसमें नशा मुक्ति प्रोग्राम है ये, और ये करना बहुत ज़रूरी था असल में। और मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन जो है इसमें आगे आई है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मेहनत है इन लोगों की, काफ़ी मशक्क़त करते हैं इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से नियामत भी रहती है, इनामात भी रहते हैं कि नहीं। जो लोगों के भलाई काम करेगा, जो लोगों की तकलीफ़ दूर करेंगे, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन इसका अजर क्या देंगे अल्लाह पाक को मालूम है। दूसरा ये कि खिदमत करने से, लोगों की मदद करने से उम्र दराजी भी होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, रिस्क में बरकत भी होती है, और अल्लाह ताला काफ़ी मदद करते हैं इसके अंदर। और घर के अंदर आप लोगों सारे मसाइल, अपने घर के औलाद इस सब चीज़ से बची रहती है, हमारे बच्चे इस चीज़ से बचे रहते हैं ना। इस तरीके की खिदमत के अंदर मैं भी एक शाना बशाना इनके साथ खड़ा हूँ और इनके साथ खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। नशा मुक्त जो प्रोग्राम चल रहा है, अक्सर बच्चे जो सीखते हैं वो अपने वालदेन से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने घर के अफराद से सीखते हैं, और गली महल्ले के लोगों से सीखते हैं, लीडर से सीखते हैं। हम जो करते हैं वो बच्चे हमारे वो उसकी नकल करते हैं। तो नशा भी जो है ये हमारे बच्चे जो है हमको देख कर नकल करते हैं। अगर मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो मेरे औलाद ज़रूर बीड़ी पियेंगी, अगर मैं पान खा रहा हूँ तो मेरी औलाद ज़रूर पान खाएंगी, क्योंकि उसको मालूम है कि यार मैं अगर बीड़ी पी रहा हूँ तो ज़रूर इससे कुछ फ़ायदे होंगे, मेरे अब्बा तभी बीड़ी पी रहे हैं। ये पान खा रहे हैं, ज़रूर इससे कुछ फ़ायदे होंगे, तभी मेरे अब्बा पान खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, नशा जो बच्चों में नौजवान तबके में आ रहा, इसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार वालदैन खुद है, हम खुद है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे बच्चे हैं तो किस तरीके से नशे से मुक्त रहे, और किस तरीके से हम लोग तो हमारी औलाद को, हमारी कौम के बच्चों को, एक कौम का सरमाया है, इसको नुकसान से कैसे बचा सके। इसके लिए मैं तमाम जितने भी मालेगांव शहर के आवाम हैं, जो आज किसी के बाप है, किसी के दादा हैं, या किसी के या कोई पार्टी के लीडर है ना, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि पहले आप लोग नशा मुक्त हो जाएं।